हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी एक्ट्रेस की जिनकी 3 पीढ़ियां बॉलीवुड में सक्रिय हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं वीडियो में कि वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनकी 3 पीढ़ियां बॉलीवुड में सक्रिय हैं। दोस्तों तनुजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी से की, जिसमें उनके साथ उनकी बड़ी बहन नूतन थी। इस फिल्म में उन्होंने एक बच्ची के किरदार को निभाया था। उसके बाद 1960 में एज ए एक्ट्रेस तनुजा की दूसरी फिल्म आई, जिसमें उनकी बहन नूतन द्वारा निर्देशित फिल्म छबीली, जिसमें उन्होंने अभिनय किया। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। इसी वर्ष उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहचान एक हीरोइन के रूप में 1961 में आई फिल्म हमारी याद आएगी से हुई, जिसको केदार शर्मा ने निर्देशित किया था। इसके पहले उन्होंने राज कपूर, मधुबाला और गीता बाली जैसे अभिनेता और अभिनेत्रियों की खोज की थी केदार शर्मा जी ने। फिर 1963 में उनकी एक बांग्ला फिल्म आई जिसका नाम देया निया था, जिसमें उनके हीरो उत्तम कुमार थे। 1966 के इस वर्ष में उनकी फिल्म आई बहारी फिर भी आएंगी। इस फिल्म को सलीम लतीफ ने निर्देशित किया था। संयोगवश यह फिल्म गुरुदत्त टीम की अंतिम फिल्म बन गई। इस फिल्म के एक गाना जो कि था वो हंस के मिले हमसे में दिखाई दिए। इस फिल्म में उन्होंने तनुजा को अभिनय का गुण सीखते हुए प्राकृतिक और सहज कलाकारी के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका अच्छा परिणाम आया। तनुजा ने हिट फिल्म ज्वेल थीप में एक महत्वपूर्ण सहायक रोल से अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया था। 1969 में इनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म आई, जिस फिल्म का नाम था जीने की राह, जिसमें उनके हीरो थे जितेंद्र। इसके बाद उन्होंने फिल्म पैसा और प्यार में सहायक अभिनेत्री का रोल किया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी प्राप्त हुआ। 1971 में एक और हिट फिल्म आई इनकी, जिस फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। मेरे जीवन साथी दो चोर और 1972 में आई फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में अभिनय किया। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में जिनके नाम है पवित्र पापी, भूत बंगला आदि आदि। तनुजा जी का जन्म 23 सितंबर 1943 में मुंबई में हुआ था। इनकी बेटी भी बॉलीवुड की सुपरहिट हीरोइनों में से एक हैं, जिनका नाम काजोल है। इनकी माता जी का नाम शोभना समर्थ था, जो अपने समय की एक मशहूर हीरोइन हुआ करती थी, और इनकी बहन नूतन वो भी अपने समय की मशहूर हीरोइन थी। 1972 के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ब्रेक लगा दिया था, उनकी पर्सनल लाइफ कुछ डिस्टर्बेंस थी। इसके बाद उन्होंने 1982 में एक बार फिर से फिल्मों में कदम रखा। फिल्म खुद्दार के लिए भाभी का किरदार निभाया। उस फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन, जो तनुजा के देवर बने थे। तनुजा ने अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन के रूप में फिल्म प्यार की कहानी में काम किया था। और इसके बाद उन्होंने 2002 में आई फिल्म साथिया, 2003 में रूल्स और खाकी में भी सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया। 2012 में उन्होंने सनाफ सरदार में भी अभिनय किया था। तो ये थी तनुजा जी की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।